तो क्या गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हमें ये कैरेक्टर व्हील अपने गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यस गाइस, हो सकता है कि आज के इस वाले वीडियो में हमें ये कैरेक्टर व्हील अपने गेम के अंदर देखने को मिले, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फिर से अपने मिथबस्टर को कंफर्म या फिर बस्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला मिथ है कि 5 बार 0 दबाओ फिर देखो मैजिक। तो भाई हम लोग आ जाते हैं अपने घर के बाहर, और यहाँ आने के बाद मैं अपने फटाक से अपना मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ और इस मोबाइल के ऊपर 5 बार 0 डायल करता हूँ। और ये, अरे भाई साहब ये क्या हुआ यार, अबे ये तो वास्टेड हो गया यार। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से ट्राई करने वाले हैं, फिर से देखने वाले हैं कि यार ये सही में मर जाएगा क्या। तो मैंने 5 बार 0 डायल कर दिया है और ये भाई बस्टेड हो चुका है। तो ये वाला मिथ तो यार कंफर्म्ड होता है। तो हमारा सेकंड मिथ अपने घर के पास स्विमिंग पूल के सामने डॉग को स्पॉन करो फिर वहां देखो मैजिक। हैं भाई ये कैसा ग्लिच है यार। कोई बात नहीं भाई, इसको डायल करते हैं। और यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल के पास आ चुका हूँ, यहाँ पे 6000 लगाते हैं, 600। तो यहाँ से डॉग आएगा। अरे भाई ये डॉग आया और धरती के नीचे घुस चुका है यार, ये कैसा ग्लिच है। कोई बात नहीं भाई, इसको मैं दोबारा से ट्राई करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि क्या होगा। और मैंने 600 किया ये। तो भाई ये एक तरीके का यार ग्लीच लग चुका है यार, ग्लीच। तो भाई जो नेक्स्ट वाला अपडेट आएगा इसमें ये सही हो जाएगा। और मैं आपको फायर करके भी दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इसके कान दिख रहे हैं और भाई इससे कुछ असर नहीं पड़ रहा यार। तो जो सामने वाली आपको ये रास्ता दिख रहा है, इसके ऊपर भी मैं डॉग को स्पॉन करके दिखा देता हूँ। और ये भाई देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको स्पॉन किया हुआ वैसे ही धरती के नीचे घुस चुका है यार, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की जैसे। तो मैं आपको स्कोप वाली गन से भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, सिर्फ इसके कान दिख रहे हैं और मुंडी ऊपर नीचे हो रही है। तो भाई ये वाला मिथ भी यार कंफर्म्ड होता है। और यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो नेक्स्ट मिथ है कि स्मॉल जेट पैक के साथ साइकिल में बैठो तो देखो मैजिक। तो हम लोग इस जगह के ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग डायल करते हैं जेट पैक जिसका चीट कोड है 330। इसके बाद हम लोग डायल करेंगे साइकिल का चीट कोड जो कि है 4x1। फिर इन दोनों के ऊपर एक साथ बैठेंगे तो देखते हैं भाई क्या मैजिक होगा। तो मैंने तो इसको पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है और ये ट्राई नहीं हो रहा है यार। तो यहाँ से इन दोनों के ऊपर बैठता हूँ, भाई मैजिक तो यार कुछ नहीं लग रहा है। तो इसको थोड़ा चला के भी देखते हैं कि क्या होगा। थोड़ा आगे इसको लेके जाता हूँ और ये, अबे भाई साहब ये क्या हो गया यार। भाई अपना बंदा जो है टेलीपोर्ट हो चुका है, यानी टेलीपोर्टेशन वाला ग्लिच लग चुका है। वाह भाई वाह। तो यहाँ से इसको दोबारा से मैं एक बार बैठ के देखता हूँ कि ये फिर से टेलीपोर्टेशन वाला ग्लिच लगेगा। तो थोड़ा आगे चलता हूँ और पीछे जाएंगे, इस बार यार नहीं हुआ है, इस बार नहीं। अरे अबे भाई साहब ये तो धरती में गिर चुका है यार। वाह भाई वाह। तो ये वाला मिथ भी यार कंफर्म्ड होता है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो जेडएक्स टेनआर का ब्लैक कलर करोगे तो वो निंजा H2R की कॉपी लगेगी। तो यहाँ से हम लोग अपने मिथ को ट्राई करते हैं, देखने वाली है कंफर्म्ड है कि बस्टेड होता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जेडएक्स टेनआर की डायल कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने कावासाकी निंजा H2R बाइक मंगा ली है। अब इसका तो कलर जो है ब्लैक है ही, लेकिन हम लोग उसका कलर ब्लैक करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये कैसी लगेगी। तो यहाँ से मैं अपना मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ और ब्लैक कलर यहाँ पे लगा देता हूँ। और यस भाई लिटरली भाई बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है यार। भाई साहब ये मजाक है कि क्या यार, भाई दोनों जो बाइक्स है एक जैसी लग रही हैं यार। भाई थोड़ा बहुत ही अंतर लग रहा है, बिल्कुल 19-20 का। तो भाई ये वाला मिथ भी यार कंफर्म्ड होता है, मुझे तो हालांकि इससे कुछ उम्मीद नहीं थी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो नेक्स्ट मिथ भाई, भाई ये वाला मिथ बड़ा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कोई सी भी कार ले लेनी है और आपको अपना जो वेपन है वेपन सेक्शन को ओपन कर लेना है। और फिर भाई सबसे पहले नाइट लगा देते हैं यार, नाइट लगाने के बाद फिर वेपन सेक्शन ओपन करेंगे। तो यहाँ से भाई फायर करते करते इसके अंदर बैठना है, तो भाई अपना जो है लाइट चलती रहेगी। तो यहाँ से मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ, अब इससे बाहर उतरते हैं और अपनी बंदूक को पकड़ते हैं फिर से दोबारा से। और नहीं यार भाई लाइट नहीं चल रही है भाई। अबे अबे भाई गाड़ी के अंदर ना बैठ यार, बाहर निकला तुरंत से यार मर जाएगा, ये मर जाएगा, गाड़ी फूटेगी। बच गया यार। और अबे ये मिरर कैसे गया यार, अबे भाई साहब। तो भाई इस बार हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर आ चुके हैं, अब मैंने नाइट मोड लगा दिया। फायर करते करते इसके अंदर बैठेंगे, देखने वाले हैं कि ये मैजिक जो है ये मिथ बस्ट होता है कि कन्फर्म्ड होता है। तो यहाँ से बाहर उतरते हैं और यस भाई आप लोग देख सकते हैं अपनी AK-47 के आगे लाइट जल चुकी है यार। भाई नाइट मोड मैंने इसलिए लगाया था कि आपको साफ तरीके से दिखे। तो यहाँ से भाई फायर, और जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखो भाई ऑटोमेटिक वेपन ऑन हो चुका है। मैं दबा नहीं रहा हूँ फिर भी भाई आपकी जो है गन चलती जाएगी। आप इसको यार एक बार गेम में जरूर ट्राई करना यार, देखना भाई कितना तगड़ा वाला भाई मिथ है। तो भाई ये वाला मिथ भी यार कंफर्म्ड होता है। और इसको हम लोग निकलते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो नेक्स्ट मिथ है हेलीकॉप्टर में बैठने का सिंबल कार का हो गया है। भाई सही में भाई इसको तो मैंने चेक ही नहीं किया है यार। तो यहाँ से भाई हेलीकॉप्टर आ चुका है और यस भाई आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है ऑप्शन कार का हो चुका है। और बैठने का तरीका यार थोड़ा इसका कैजुअल है, लेकिन बाकी सब सही है यार।
तो भाई यह वाला मिथ भी काफी तगड़ा है। मैं इसके साथ आपको एक ग्लीच बताने वाला हूँ। ग्लीच नहीं है भाई, जो अपडेट में जो सही हुआ है वो है। अब जैसे ही आरपीजी के ऊपर इसको मारेंगे तो आपका जो हेलीकॉप्टर है भाई वो कभी टेढ़ा होकर गिरेगा ही नहीं, बिल्कुल सीधा ही गिरेगा। तो यहाँ से फिर से मैं मारता हूँ और ये देखो भाई फिर से ये सीधा होकर नीचे गिर चुका है। तो भाई ये वाला मिथ भी यार कन्फर्म्ड होता है। तो भाई मिथ की सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वाली वीडियो में मजा आया तो इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।